नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार इंडस्ट्री का ड्रॉ कर रही है। तारीख है 17 नवंबर 2027। 10:30 बजे के आसपास ड्रॉ शुरू हो गया था। पूरा सरकारी अमला मौजूद है यहाँ पे, पुलिस, सारा प्रशासनिक डिपार्टमेंट, और कुर्सियाँ लगी हैं बाहर, टीवी लगा है, अंदर भी भीड़ है खूब, और बड़े शानदार तरीके से ड्रॉ हो रहा है। ड्रॉ में प्रोसीजर तकरीबन सेम होता है, सारा कुछ वेन्यू भी सेम होता है। इस बार इन्होंने कहा था कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में करेंगे, पर लास्ट टाइम पे इन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ पहले होता है वहीं करेंगे, P3 में ड्रॉ होगा। तो P3 में ही हो रहा है, ये P3 का माहौल है, देख लो। ये यहाँ यमुना प्राधिकरण है, उससे लगभग ये 1 किलोमीटर की रेंज में ही है, P3 समुदाय के अंदर, वहीं पर ड्रॉ होता है। ये देखिए लिखा हुआ है P3 समुदाय के अंदर, यहीं पे ड्रा होता है हमेशा। और इसकी निशानी है कि इसके पीछे पानी की टंकी है, अगर कोई पहली बार आ रहा हो तो दिक्कत नहीं आएगी, और जब यहाँ आओगे तो खूब गाड़ियाँ मिलेंगी आपको, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे इंडस्ट्री हो, खूब गाड़ियाँ होंगी, खूब पुलिस होगी यहाँ पे। तो लोगों को बड़ा उत्साह होता है कि मेरे नाम के सामने पर्ची निकले, फिर मैं कूदता जाऊँ, जैसे बंदर छलांगे नहीं मारता, किसी को प्लॉट आ जाए तो ऐसे कूदता आता है। तो रेड कारपेट वेलकम होता है, और यहाँ पे पूरी टीम होती है यमुना प्राधिकरण की, इंडस्ट्री से रिलेटेड, रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल से रिलेटेड, उसके सारे अफसर सारे लोग यहाँ होते हैं। ये देखिए जी, मैं बाहर का माहौल दिखा रहा हूँ, खूब दबा के गाड़ियाँ हैं, पूरा फुल है, और व्यवस्था बनी रहे, बाहर भी पुलिस लगी रहती है कि लोग गलत वलत गाड़ियाँ लगा के ना निकल जाएँ, ताकि पंगा रहे, और लोग सारा दिन आते ही रहते हैं तकरीबन। ये अभी 3 टुकड़ों में ड्रॉ है, एक है इनका टॉय पार्क, एक हैंडीक्राफ्ट, एक स्टार्टअप और एक जर्नल MSME। तो अभी टॉप वाले निकल रहे हैं, जो आम जनता वाला है MSME और जर्नल, उसका ड्रॉ अभी नहीं हुआ है। तो ये यहाँ का बाहर का माहौल है, आसमान साफ है, आज धूप भी निकली हुई है, खिला हुआ मौसम है। दिल्ली में तो पोल्यूशन होगा शायद, ग्रेटर नोएडा में दिवाली का पोल्यूशन नहीं है फिलहाल, बहुत हल्का है। ज़्यादातर इंडस्ट्री में बड़ी गाड़ी वाले लोग ही मिलेंगे आपको यहाँ पे, सेंट्रो पेंट्रो या 800 वाले बंदे कम ही होते हैं। जैसे ये बड़ी गाड़ी खड़ी है, ये फॉर्च्यूनर खड़ी है, वो पीछे गोला स्टार खड़ी है, इसमें गरीब जनता कम है, थोड़ी ठीक ठाक जनता ज़्यादा है। ये शायद पता नहीं कौन सी मारुति की, बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी आपको, ये पीछे भी देख रहे हैं, गरीब जनता नहीं है इसमें, अमीर जनता है। 41 लोगों के बीच में एक स्टार्टअप को, पहले क्या होता था, स्टार्टअप में अप्लाई करने से प्लॉट मिल जाता था, अब मामला उलट गया है, अब एक प्लॉट है 41 स्टार्टअप के हैं, जबकि जनरल में 10 होंगे और 20 एप्लीकेशन आई होगी। तो अब कोई भी स्टार्टअप में अप्लाई ना करे, स्टार्टअप में अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग इसके लिए स्पेशल CA से मिलते थे, फॉर्म बनाते थे, स्टार्टअप नंबर लेते थे, तो स्टार्टअप में अप्लाई ना करें, फ़ायदा नहीं है कोई भी, घाटा ही घाटा है। नॉर्मल अप्लाई करें, उसमें फ़ायदा है आपको। तो ये नक्शे पीछे दिए हुए हैं, किसी को नक्शे की जानकारी चाहिए, जो गूगल मैप पे, गूगल पे भी एंटर करोगे तो नक्शे आपको मिल जाएंगे। यहाँ इन्होंने समझा रखा है कि कौन कौन से प्लॉट हैं और कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए, ये नक्शा है, ये जो प्लॉट है इनको कलर किया हुआ है इन्होंने, ये वाले प्लॉट हैं, ये रेड किए हुए हैं, ये रेड किए हुए हैं, तो जो प्लॉट है इन्होंने रेड किए हुए हैं। ये सेक्टर 33 का नक्शा है, 33 में प्लॉट है, सेक्टर 32 में प्लॉट है, 32 का भी मैप दिया हुआ है इन्होंने। ये समझा देते हैं भैया, यहाँ यहाँ प्लॉट है, जिसे नॉलेज नहीं है तो सीख लो। ये सेक्टर 28 के प्लॉट है, यहाँ सब बताया हुआ है, और जो प्लॉट है प्लॉट भी बताए हुए हैं कहाँ कहाँ पर हैं। ये वाले बड़े प्लॉट हैं, प्लॉट दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, ये छटोर माल है, ये फ्रेश माल नहीं है, ये सारा छटोर माल है। ये 29 में है, जहाँ पे इंडस्ट्री है। ये देखिए, ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, ये प्लॉट है। तो जो बचा हुआ छटोर माल है वो सेक्टर 28 में है, 29 में है, 32 में और 33 में है, 4 सेक्टरों में छटोर माल है, फ्रेश कोई स्कीम नहीं है, ये सारी पुरानी स्कीम है। जो बैठे हैं उनको भी देखने, कुछ यूट्यूबर भी आए हुए हैं, डाटा मेंटेन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं अंदर, ये ड्रॉ चल रहा है। ये हम स्टार्टअप हैं,
नाम आया है हर्ष फैशन प्राइवेट लिमिटेड सुशील गर्ग 44572 और प्लॉट मिला है 1171 सेक्टर 32 में। स्टार्टअप वाले जितने भी थे सब बेवकूफ़ बन गए, स्टार्टअप में अप्लाई करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, स्टार्टअप वाले सारे बेवकूफ़ बन गए। 28, 29, 32 और 33 में जैसा कि नक्शे है, ये नक्शे ड्रा किए हुए हैं, तकरीबन ये 28, 29 और 32 में तो नाला भी जाता है, जबकि ये बाकी सेक्टर साफ सुथरे हैं। 28 और ये सेक्टर साफ है, 33 नंबर सेक्टर साफ है। यहाँ पे रिवाज है कि जिस बंदों ने अप्लाई किया तो उसकी पर्ची चेक करवाते हैं, बुला लेते हैं एक बंदा आके, अपनी पर्ची चेक कर लो कि उसका नाम है कि नहीं, कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही, सारा काम ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, कोई झोलम झाल नहीं, ऐसा नहीं कोई भी घुस जाए। पुलिस वाले आगे रहते हैं, एक बंदे को आगे जाने देते हैं, सारे बंदे नहीं आगे जा सकते, एक बंदा जाके अपनी पर्ची चेक कर लो, उसके बाद खेला हो जाता है। लोग बड़े चाव से आते हैं, पर प्लॉट कम होने से बेचारे लोग मायूस हो जाते हैं कि यार माल तो मिला नहीं। प्राधिकरण को प्लॉट ज़्यादा लाने चाहिए क्योंकि देश की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, अभी हम नंबर 1 पे आ गए हैं पॉपुलेशन में, तो इंडस्ट्री ज़्यादा हो ज़्यादा फ़ायदा है, और इंडस्ट्री इतनी लाएंगे रीसेल में वैल्यू ख़त्म कर दें। प्रक्रिया में पहले सज्जन हैं, जब ये कहें हैं तो उनको देखकर आप लोग कोशिश करें कि अपने स्थान पर वापस हो जाएं, कि है तो है, इनका है तो मेरा भी है। और बच्चे ही निकाल रहे हैं जिनकी पर्ची नहीं है, फिर दोबारा से निवेदन है कि वो लोग जिनकी इसमें ड्रा में नहीं है, अगर उनको कोई भ्रम है कि वो पर्ची डालते हैं, यहाँ पे सारा काम ट्रांसपेरेंट से होता है, हेरा फेरी नहीं है। हो सकता है ऐसे 50 साल पहले होती हो, पर आज की डेट में तो कुछ नहीं है। YouTube, Facebook पे लाइव प्रदर्शन होता है, दो जज आते हैं और सारे गणमान्य व्यक्ति बुलाते हैं, कुछ एसोसिएशन है, ट्रेड एसोसिएशन, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी बुलाया जाता है, तो पूरा तरीके से ही ड्रा होता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी लाइट चली जाए, जनरेटर की पूरी व्यवस्था रहती है, तो मामला पूरा ठीक रहता है, व्यवस्था सही रहती है, पीने का पानी रहता है, जो VIP बंदे आ गए हैं उनको चाय पानी भी दिया जाता है। ये इसकी मेन एंट्री है समुदाय केंद्र की, ये इसकी मेन एंट्री है। ये सारे जिन्होंने इंडस्ट्री अप्लाई की वो लोग आए बैठे हैं, और ये यहाँ का बाहर का माहौल है। ये सामने नंद आश्रय है जो आप देख रहे हैं, और ये इनका यहाँ वाटर वर्क्स की सप्लाई है। लोग बैठे हैं कि शायद निकलाए, उम्मीद हो ये इंडस्ट्री का स्टाफ है, सरदार जी हैं, नितिन जी हैं, सारी टीम है यहाँ पे, मैम भी आई हुई हैं। ये सेम है तो ये मैडम को वैसे आपके पास टाइम है तभी ड्रॉ में आना चाहिए, कोई हेरा फेरी नहीं है। आजकल सारा ये YouTube पे अपलोड हो जाता है, लिस्ट भी शाम को आ जाती है, समय है तो ज़रूर आए, मजा लें, कोई आप यहाँ हो और ड्रॉ निकले तो उसका मज़ा ही लगा है, पर वैसे कोई यहाँ आने की ज़रूरत नहीं रहती है। वरना तो आप कहेंगे 400 लोग हैं तो 400 की जांच कराएं, तो वो जांच समय लगता है, तो एक उसको समयबद्ध करने के लिए यहाँ पे और कमरे भी हैं, अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो अंदर भी कुर्सियाँ लगा देते हैं। इंडस्ट्री में नॉर्मली भीड़ कम आती है, इंडस्ट्री में भीड़ आती नहीं है, अगर आपके पास समय है तभी आए, नहीं तो फालतू में अपना पूरा दिन खराब करने की ज़रूरत नहीं है। व्यवस्था चौक चौक से है, बाहर पीने को पानी है, पीछे लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, समस्या कोई नहीं अगर यहाँ पे आप आते हैं। इसको निकलता है वो कहता है बिल्कुल सही जा रहे हो, तो ऐसा क्यों होता है,
ये प्रभु जाने या आप व्यवस्था चांद चौदह पूरी सही जी सर। ये P3 कम्युनिटी सेंटर का बाहर के सीन है जो आप देख रहे हो। तो दोस्तों आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।